ओके, जब क्वेश्चन नंबर फोर आप, हाँ सीधा फोर, टू थ्री होमवर्क। जी डायरेक्ट फोर क्या आप करेंगे? क्या हो गया आप लोग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। जब क्वेश्चन फोर में एडजस्टमेंट्स ज्यादा हैं, काफी हैं, तो पहले इसकी जब वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, पहले वर्किंग्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे। सही है। ओके, अच्छा पॉइंट नंबर वन, इसमें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी भी है, इसको जोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर टू, वेजेस एंड सैलरीज पेबल एट 31 दिसंबर ईयर 7 वर 426। ये वेजेस एंड सैलरीज पेबल यानी कि एक्रूड्स वेजेस है ना, तो एक्रूअल्स की एंट्री क्या होती है? ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, और एक्रूवल्स क्रेडिट की डबल एंट्री होगी। बैलेंस का अमाउंट कितना है? 426। एक्सपेंस डेबिट, एक्रूवल्स क्रेडिट, ये पॉइंट नंबर। पॉइंट नंबर थ्री, एडजस्टमेंट थ्री में लिखता रेंट पेड इन एडवांस एट 31 दिसंबर ईयर 7 अमाउंटेड टू 100। अच्छा डायरेक्ट इसने प्रीपेड का अमाउंट दे दिया ना, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड डेबिट हो जाएगा और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है, इसकी एंट्री हो जाएगी। प्री पेमेंट्स डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 100 से। पॉइंट नंबर फोर, अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 260। अच्छा डायरेक्ट इसने बता दिया इंक्रीज कहाँ तक करना है, 260 था, इंक्रीज टू 260। और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये ऊपर दिया हुआ इसने 162, उसको इंक्रीज करके ले जाना है 260 तक। इंक्रीज कितने का आ रहे हैं, अब इसमें क्या करेंगे, 260 माइनस 162, तो डिफरेंस आ जाएगा 98 का ना, 98 का आ रहा है इंक्रीज इन अलाउंस 98। इसकी एंट्री क्या होगी? रिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएंगे और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट 98 आएगा, 98 से डेबिट, 98 से क्रेडिट, ठीक है। पॉइंट नंबर फाइव, फाइव में डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एज फॉलोज। मोटर वैन एट 25% ऑन पर ईयर ऑन कॉस्ट, फिक्सर्स एंड फिटिंग 5% पर ईयर ऑन कॉस्ट। अच्छा तो पहले इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एंट्री बनेगी। मोटर वैन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। कह दिया मोटर वैन्स एट 25% पर ईयर ऑन कॉस्ट, मोटर वैन्स की कॉस्ट कितनी है? मोटर वैन की कॉस्ट है 2000, 2000 का 25%। बचे नहीं कैसे मिलने आए थे, सही से बोला था अरे अली मोटर वैन 25%, 500 एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 500,
500, ठीक है। सब मोटर वैन के बाद सेकंड एसेट है हमारा फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, 5% पर ईयर ऑन कॉस्ट। फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा कॉस्ट कितनी है फिक्सर्स एंड फिटिंग्स की? कॉस्ट है यहाँ 4,000, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है इसका? 5% है, तो 4,000 का 5% 200 कैंट्री बनाते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया हमने। बात पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है, ड्यूरिंग ईयर 7 ओनर ऑफ सामान विथड्रॉ गुड्स वैल्यूड एट 180 फॉर हिज ओन यूज। अच्छा ड्राइंग्स एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन द अकाउंट फॉर द विड्रॉल ऑफ दीज गुड्स। ड्राइंग्स रिकॉर्ड नहीं की, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी इसकी? ड्राइंग्स डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे 180 और 180। हम गुड्स विड्रॉ किए हैं तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस। पॉइंट नंबर 7, 7 देखो, 1/4 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ओनर्स प्राइवेट मोटरिंग, यानी कि ड्राइंग्स हो गई ना, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस पर्पस। यहाँ देखिए मोटर एक्सपेंस कितने दिए हमें 12 बैलेंस में, मोटर एक्सपेंस 920 के, अब वो कह रहे हैं 920 में से कितना 1/4 उसकी ड्राइंग्स हैं, पर्सनल यूज हो गया ड्राइंग्स है ना। 920 का 1/4 यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 920 इंटू 1/4 कितना? 230। अब इसकी एंट्री क्या होगी? 230 से एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स डेबिट और मोटर एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगी। तो ड्राइंग्स को मोटर एक्सपेंस पर रिकॉर्ड किया था तो ये करेक्शन हो गया, ड्राइंग्स डेबिट मोटर एक्सपेंस क्रेडिट। ये इसकी वर्किंग्स कंप्लीट। क्या वर्किंग कंप्लीट हो गई? आप इसका इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं सेल्स। सेल्स कितनी है? देखिए सेल्स आपको कितनी है? 30,261 सेल्स। इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट्स। तो ये रिटर्न इनवर्ट्स है यहाँ पर 240 की। रिटर्न इनवर्ट्स सेल्स रिटर्न लेस करते हैं 240। ये नेट सेल्स आ गए हैं आपके पास 50,021। अच्छा इसके बाद अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। अब इसकी वर्किंग करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक कितना है? 28 1 जनवरी 2720, ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 2720। परचेजेस ऐड करेंगे, परचेजेस कितनी है? परचेजेस 33,436 परचेजेस आ गई। इसमें अब ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ट, ये कैरेज इनवर्ट है 546 ऐड होगा कैरेज इनवर्ट, और इसके बाद लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है यहाँ पर, ये नहीं, परचेज रिटर्न 120, परचेज रिटर्न लेस करके अब इसका सम कर लेंगे, परचेज प्लस कैरेज इनवर्ट माइनस परचेज रिटर्न, ये नेट परचेजेस आ गई हमारे पास। एक मिनट, एक पॉइंट और है। तो देखिए हमने एक वर्किंग नंबर 7
सिक्स वर्किंग सिक्स, इसमें देखिए एंट्री क्या बनी है, ड्रॉइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, परचेज क्रेडिट हो रही है मींस डिक्रीज, तो ये भी माइनस हो जाएंगे ना। अब ये जो गुड्स ड्रॉ की है ये यहाँ परचेजेस में से माइनस हो, ड्रॉइंग्स हमने माइनस की, अब नेट परचेजेस आ गई 33,682। अब ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेजेस ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ गई गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट नंबर वन में गिवन है आपको 4,270, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो, और ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 32,132। ठीक, आप नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जब ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड होंगी, अच्छा अदर इनकम देखते हैं यहाँ गिवन है या नहीं, ट्रायल बैलेंस में देखिए अदर इनकम ये आपको दिया हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड 59 ये ऐड हो जाएगा। अच्छा ऊपर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये तो एक्सपेंस होगा ना, ये तो बैंक से ओवरड्रॉ करते तो इंटरेस्ट पे करते, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक्सपेंस, अदर इनकम में क्या आएगा सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डेली बेसिस पे लगता है, उतने दिन बाद देंगे उतने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड कर लेते हैं अदर इनकम, और ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 17,948 का, और अब इसमें से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे। जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें, अच्छा कैरेज देखिए दो थे इसमें ना, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड तो हमने परचेजेस में ऐड किया, और कैरेज आउटवर्ड ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैरेज आउटवर्ड, अच्छा मैंने सैलरीज वेजेस लिखा हुआ है, पहले सैलरीज एंड वेजेस में आ जाते हैं, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस कितने हैं 5,226। अच्छा इसके बाद देखिए इसकी एडजस्टमेंट थी वेजेस की टेबल्स है ना, ये ऐड हो जाएंगे, एक्रूड एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे, तो वेजेस एक्सपेंस बनेंगे टोटल आपके 5,652। एक्रूड्स वेजेस वर्किंग पॉइंट नंबर टू, क्या बनाई थी हमने वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एक्रूअल स्क्वायर, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट मींस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगी। ये ट्रायल बैलेंस में आपको एक्सपेंसेस गिवन है 5,226, इसमें एक्यूरेट एक्सपेंस ऐड होंगे, टोटल वेजेस एक्सपेंस आ जाएंगे आपके पास 4,5,650। नेक्स्ट क्या था, मैंने रेंट लिखा हुआ ठीक है, रेंट एक्सपेंस यहाँ ट्रायल बैलेंस में गिवन है 626, और इसकी एडजस्टमेंट हमने की थी पॉइंट नंबर 3 में, रेंट प्रीपेड है, इसकी एंट्री क्या बनाई थी हमने प्रीपेड रेंट की, प्रीपेमेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट मींस डिक्रीज, ये 100 माइनस हो जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस है आपको गिवन 625, इसमें से लेस करेंगे प्रीपेड रेंट 100, 526 एडजस्टेड एक्सपेंस था। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस में 65, अच्छा इंश्योरेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी ना, एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद कैरेज आउटपुट, कैरेज आउटपुट कितना है 720, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख लेंगे। के बाद है मोटर एक्सपेंस,
मोटर व्हीकल एक्सपेंस कितने के बने हैं? 920, जिसकी हमने एडजस्टमेंट की थी। एडजस्टमेंट क्या थी? पॉइंट पॉइंट नंबर सिक्स में कहा? पॉइंट नंबर सेवन एंड हमने बनाई ड्राइंग सर्विस, मोटर एक्सपेंस, क्रेडिट। एक्सपेंस क्रेडिट हो रहे हैं मींस डिक्रीज, तो 230 लेस हो जाएंगे। तो मोटर एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है आपको 920, इसमें से 230 माइनस होंगे, रीएडजस्टेड एक्सपेंस आ जाएंगे 69। के बाद इरिकवरेबल डेट्स, इरिकवरेबल डेट्स की हमने वर्किंग यहां पर की है। अच्छा यहां देखें, इसमें ट्रायल बैलेंस में इरिकवरेबल डेट्स आपको गिवन है 240 के, ये 240 लेंगे। और ये हमने जस्ट की एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी यहाँ पे, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउ फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। ये रिकवरेबल डेट्स डेबिट हो रहे मींस इंक्रीज, तो 98 उसमें ऐड हो जाएगी। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ बैड डेट्स है 240, इसमें 98 ऐड कर लेंगे, ये बैड डेट एक्सपेंस आ जाएंगे आपके 338। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 6। के बाद ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस तो खाता कंप्लीट हो गया ना, आ जाए एडजस्टमेंट्स पे। यहाँ पे तो पॉइंट नंबर फाइव में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं। पॉइंट नंबर फाइव मोटर वैन का डेप्रिसिएशन है 500, 500 और पिक्चर्स एंड प्रिंटिंग्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 200 आ जाएगा। ये एक्सपेंस कंप्लीट हो गए, टोटल कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस आ गए 8,747। अब क्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट 9,201। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। अच्छा इसमें एक नया पॉइंट है तो समझ लेते, सब नॉन करंट एसेट्स पहला कौन सा है? यहाँ दिया हुआ नॉन करंट एसेट में मोटर बैंक्स। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में कॉस्ट दी हुई है 2000 और ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया हुआ 1500 का। कॉस्ट 2000 है, 1500 क्या है? क्या माइनस करके ये नेटबुक वैल्यू, ठीक है। और इसीलिए यहाँ देखिए इसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया, जिस तरह क्वेश्चन वन में था, डिफरेंस समझा देता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन वन में था क्या, देखिए कॉस्ट उसने दी थी अलग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलग रिकॉर्ड किया था, डिफरेंस देंगे तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से क्या किया, क्वेश्चन फोर में आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बताया, डायरेक्ट आपको उसने नेटबुक वैल्यू दी। कॉस्ट 2000 है, नेटबुक वैल्यू 1500, उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 500 हो जाए। इसी तरह फर्नीचर में कॉस्ट 4000 है, नेटबुक वैल्यू 3800, तो उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 200 होगा। अब लिखते हैं, अब मोटर वैन की कॉस्ट है 2000, लिखे थे पहले कॉस्ट, और इसमें जब लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो वो कितना होगा? नहीं, ये इसका जो डिफरेंस आएगा 500, वो तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस। अब उसमें हम ऐड करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 500, 500 में 500 ऐड होंगे, 1000 हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 1000। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड होता है। अच्छा फर्नीचर की कॉस्ट है 4000, कॉस्ट आ गई।
और इसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 100। उसमें हम ऐड करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया था, कितना? 200। 200 प्लस 200, 400 हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू आ गई 3600। के बाद अब ये नॉन करंट एसेट दो ही हैं, करंट एसेट लिख लेते हैं। एक लैंड भी है लास्ट में, नॉन करंट एसेट और लैंड 10,300। अच्छा, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा? क्यों? क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। अच्छा, लैंड डेप्रिशिएट क्यों नहीं होती? रीजन क्यों नहीं करते? कंज्यूम नहीं होती, एक्सपायर नहीं होती, लाइफ इनफाइनाइट होती है ना, अनलिमिटेड लाइफ होती है, इनफाइनाइट। हाँ, कब्जा होता है, एक्सपायर नहीं होती। ठीक, अब आ जाए करंट एसेट्स। तो करंट में पहले हम लिख लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई पॉइंट नंबर वन में आपको 4,270 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, होता है रिसीवेबल का क्या अमाउंट लेंगे यहाँ पे, बैलेंस क्या होगा यहाँ पे? आपको रिसीवेबल कितने दिए हुए हैं? अकाउंट रिसीवेबल है 7,009। अच्छा, ये उसके बाद देखें यहाँ पे इसने ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर रिसीवेबल है तो हम माइनस करेंगे, और यहाँ से दिए हुए इररिकवरेबल डेट्स 240 के। क्या ये रिसीवेबल से माइनस होंगे? माइनस होंगे नहीं होंगे? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आप डिफरेंस समझ रहे हैं। हाँ, अब देखें ये 240 दिए हमें, अब ये लेस नहीं होंगे, क्वेश्चन वन में हमने लेस किए थे, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, रीजन क्या, वो समझ। यहाँ पे आपको रिकवरेबल डेट्स दिए हमें ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और क्वेश्चन वन में, क्वेश्चन वन में इसने रिकवरेबल डेट्स आपको दिए थे 1,000,000 में, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं तो क्या मतलब है, और एडजस्टमेंट में आने का क्या मतलब? देखिए, ट्रायल एडजस्टमेंट्स में देने का मतलब है कि आपने अभी रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकवरेबल डेट्स एडजस्टमेंट्स में, तो इसका मतलब है कि आपको रिकवरेबल डेट्स रिकॉर्ड करने हैं। उसके हमने पहले एंट्री बनाई थी, उसके बाद माइनस करके फिर डाउटफुल डेट कैलकुलेट किए थे, बाकी वर्किंग हुई थी ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया है। हाँ, इसने ये बैडेट्स आपको दिए ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब है ये पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं, पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं तभी तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर का भी राइट ऑफ कर दिए होंगे, तो जब राइट ऑफ किए होंगे उस वक्त एंट्री बनी होगी इररिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो इसलिए ये जो रिसीवेबल दिए मैं आपको यहाँ पर 7,009, उसमें से ये इररिकवरेबल डेट्स माइनस हो चुके हैं, दोबारा माइनस नहीं। अभी डिफरेंस ज्यादा किएगा, इररिकवरेबल डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो रिसीवेबल से माइनस नहीं होंगे, इसका मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। एडजस्टमेंट्स में देगा तो वो आपको रिकॉर्ड करने, वो माइनस। ठीक, तो अब रिसीवेबल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7,009 आएंगे सर, ठीक है। उस पर आ रहा हूँ, रिसीवेबल्स हो गए आपके 7,009, मिल जाएंगे, यहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे बटी कैसे काम चला ले। अच्छा, इधर का रुपए डेट्स माइनस नहीं होंगे, अलाउस फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अलाउस फॉर रिसीवेबल का अमाउंट क्या लेंगे? अलाउस फॉर रिसीवेबल, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल इसको भी इंक्रीज टू 260, तो यही 260 बन जाएगा अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस।
यही डायरेक्ट माइनस हो गया। अच्छा इसको एंट्री से भी समझा देता हूँ, तो सच्ची कैसे आएगा। यहाँ पे हमने अलाउस की जो एंट्री बनाई थी कैसे बनी है, 98 से अलाउस फॉर रिसीवेबल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक अब यहाँ अलाउस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 152 ओपनिंग बैलेंस है, और ये एंट्री हमने बनाई 98 से अलाउंस को क्रेडिट किया, इसमें ऐड हो जाएगा ना 162 प्लस 98 260, तो वही अमाउंट आ गया जो उसने दिया हुआ था ना। तो अब रिसीवेबल से 260 माइनस हो जाएगा, रिसीवेबल्स हैं 7009 माइनस 260, एंड रिसीवेबल्स आ गए 6749। तो बैटरी वाला पॉइंट आपको याद रखना। उसके बाद प्री पेमेंट्स कितनी है, प्री वाला ना, थर्ड में हमने प्रीपेड कैलकुलेट किए थे कितने, 100। प्री पेमेंट आपके करंट एसेट है, उसके बाद कैश और बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के बैंक, कैश इन हैंड है 55 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 2522। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी है, ये तो करंट लायबिलिटी में जाएगा, एसेट्स में सिर्फ कैश इन हैंड आ जाएगा 55। ये टोटल करंट एसेट्स आ गए 11,174। अब नॉन करंट और करंट एसेट्स को ऐड कर लेते हैं, टोटल एसेट्स आ जाएंगे 26,074। क्लियर, ठीक है, एसेट्स कंप्लीट हो गए, कॉपी करें, फिर इसके इक्विटी ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी में कैपिटल लिखेंगे पहले, कैपिटल कितना है, कैपिटल है 10,059, कैपिटल आ गया। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बनेगा इनकम स्टेटमेंट से, इसके बाद लेस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है यहाँ देखिए लिखा हुआ है ड्राइंग्स इन कैश 2,459, ये ट्रायल बैलेंस पर ड्राइंग्स गिवन है। अच्छा इसके बाद हमने दो एडजस्टमेंट्स की थी, उसमें भी ड्राइंग्स की एंट्री बनी थी, देखिए हमने एडजस्टमेंट नंबर 6 और 7, 6 में ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही है 180 से, ये ऐड करेंगे, और 7 में भी ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही है 230 से, ये भी ऐड हो जाएगा, तो 180 और 230 ऐड कर देंगे, तो आपकी टोटल ड्रॉइंग्स आ जाएंगी 9। रैपिड ही होती है ना, कंफर्म करें। अच्छा ड्रॉइंग्स माइनस हो गई और ये ओनर्स इक्विटी आ जाएगी हमारे पास 16,391। इसके बाद लायबिलिटीज में भी नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है, अरे करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, पहले क्या लिखा है, अकाउंट्स, करंट लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल है यहाँ पर 6,735, अकाउंट्स पेबल, के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,522, बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसमें कोई लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में तो नहीं थी, तो एडजस्टमेंट्स में आ जाते हैं, इसमें देखते हैं अक्रूवल्स हैं। पॉइंट नंबर टू में वेजेस एंड सैलरीज पेबल, ये लायबिलिटी होगी हमारी, देखते वेजेस एंड सैलरीज पेबल, तो ये टोटल कर लेते हैं, टोटल लाइबिलिटीज आ गई, इक्विटी और लाइबिलिटीज को ऐड कर लेते हैं, और ये इसका टोटल आ साथ ही बैलेंस शीट।